और ऐसा है कि भाई अगर कोई आगे जा रहा है अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करो, ना कि ऐसा बोलो भाई यार ये ऊपर उठ गया और गलत हो गया यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा था भाई। और कंटेंट बनाने के लिए आइडियाज देने चाहिए ना कि ज्ञान। दिख रहा कट हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज इनका पेपर है, कल पेपर है, कल भी का पेपर है, सब खेलने के लिए इनको मोटिवेट कर रहे हैं। उठा ले बल्ला, आप क्या घायल हो गया खिलाड़ी जी, बॉलर देख लो इसने मुझको आउट किया 8 रन पे। तो भाई जिम में तो आ चुके अपन, लेकिन एंट्री इतनी खतरनाक थी ना अपनी, इसलिए मैं साइकिल से नहीं आता। देख रहा चेन उतर गई अब उसको साइकिल, अभी पानी खा, एक सेकंड रुको। तो भाई स्वागत है आपका दूसरे दिन में, और बाकी पहले चेहरे पे धूप चेक करो अगर आ रही हो। फिलहाल भी अपन जा रहे हैं कोचिंग पे और देखो आज त्रिभुवन आता है कि नहीं। बाकी एक लड़का तो आ गया राघव, उससे पहले बात करते थोड़ी सी, इसके बाद फिर चलते अपन कोचिंग, ठीक है। धूप अच्छी आ रही है चेहरे पे, देख एक चीज दिखाऊं, दिख रहा कट। इतने टाइम बाद एक गोटी देने के बाद भाई साहब आज कोचिंग आए हैं, और ये घर पे बैठे बैठे हमको ज्ञान देते हैं जे और अनुराग कि तुम फेमस नहीं हो रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है। तो फेमस तभी होते हैं जब एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट निकालने पड़ता है। अब जे जिन लोगों की बातें कर रहे हैं ना कि वो फेमस हो गए थे, देखो भाई बहुत अच्छी बात है फेमस हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मेहनत करो और अच्छी वीडियोज वगैरह जाएं आपकी, कंटेंट बढ़िया बना रहे हो। देखो कंटेंट बढ़िया बनाओगे तो है ना, तो ठीक है। तो वही वह बस कि वीडियो अगर तभी फेमस होगी या वायरल होगी इसके लिए आपको कंटेंट अच्छा बनाना पड़ेगा, और कंटेंट बनाने के लिए आइडियाज देने चाहिए ना कि ज्ञान। तो ज्ञान नहीं दो और कंटेंट आइडिया दो, बाकी धूप देखो अच्छी आ रही। गाइस आज फिर से हम मैच खेलने के लिए आ गए, हमारे पेपर पास में, लेकिन बिल्कुल शर्म नहीं आती हमको। आया पापा, पापा ये दूसरा ओवर चल रहा है और 16 रन है हमारे। का दुक्की बगल में पड़ी, तो काय का बगल में पड़ी ना, तुम्हारे हाथ से छूट के। तो गाइस भाई तुम्हारा जिनके लिए फरार हो चुका है, बाकी हमारे राज को क्या नाम राघव भाई टंबल पर्सन है हमको लेने के लिए अपनी स्कूटी से आएगा, स्कूटी में तेल नहीं है अब, उसका टोपा हमारे ऊपर रख दिया है। बाकी तुम्हें एक बात बताऊंगा मैं चल के जिम में या फिर जिम के बाद तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दूंगा, जो चीज़ अच्छी है वो समझो तुम, जो त्रिभुवन और अनुराग कह रहे थे ना भाई, तो उस चीज़ को मैं विस्तार में तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है क्या। बस हम कह रहे मोड़ी, चलो देखो अभी अपन जिम में एंटर कर चुके हैं और अपन को आज लगानी लेग। उससे पहले मैं जो आपको ज्ञान देने की बात कर रहा था वो ज्ञान आपको देता हूँ। देखो जरा बंटी और जो त्रिभुवन सुबह कह रहे थे कि भाई वो उनका कंटेंट फेमस हो गया, वो फेमस हो गए और तुम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो भाई देखो कंटेंट की बात है बाकी, और ऐसा है कि भाई अगर कोई आगे जा रहा है अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करो, ना कि ऐसा बोलो भाई यार ये ऊपर उठ गया और गलत हो गया यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा था भाई। ठीक है टाइम टाइम आता है भाई, सबका टाइम आता है अपने अपने टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे भाई सबकी अच्छी रीच जाती है। बाकी ये है अभी मैं कुछ इतना अच्छे से कंटेंट बना के अपलोड भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक बात खुद मान रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है अभी मुझे एक तो टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है अगर मैं कंटेंट सोच रहे तो बना नहीं पाता हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो कुछ इन जैसे गवार होते हैं, इनको बस अपना एक ही कंटेंट देखना भाई, वो जिम 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 जिम, और इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं होता, तो बस यही है। मैं भी डालता हूँ, देखो भाई ने अभी देखो 15 दिन पहले चालू किया था अपना इंस्टाग्राम पेज, बहुत अच्छी रीच आ रही है, अच्छा भी रिस्पॉन्स भी आप लोग दे रहे हो, ऐसा ही रिस्पॉन्स बना रहेगा तो एक दिन हम भी हिट हो जाएंगे, ठीक है। हो चुके इनफैक्ट यार, हिट हो जाएंगे, क्या होता है, हम हिट हैं, हिट हैं, वी आर हिट है, यार पड़ेगा हिट करके। तो बाकी इसकी सुनो को ठीक है, ये भाई एक्सक्यूज दे रहे हैं, एक्सक्यूज नहीं मैं ये कह रहा हूँ भाई कि अगर दूसरा इंसान फेमस हो गया है तो इसमें अप्रिशिएट करो, ना कि ऐसा ब्लेम करो कि भाई यार वो मतलब उससे एक तरीके से। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, अरे प्रमोशन नहीं करा लो भाई, प्रमोशन रोपोशन मत कराओ, जो कुछ करना खुद करो, वरना बाद में आदमी ये कहता है कि भाई तुमने उसकी मदद से ऐसा कर लिया, उसकी मदद से ऐसा कर लिया। नहीं भाई तुम्हारा गोवा गया था भी तो बावरी जानते हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली, उससे करा लेता मैं, वो वही रहती है, ठीक है, लेकिन नहीं कराया भाई, क्यों, क्योंकि कोलैबोरेशन कर लो ना, पैसा दे
अभी क्यों क्यों कराना, हम खुद बोलेंगे सक्षम नहीं है क्या तुमने? ठीक है, और बाकी देखो तुम्हें एक चीज बता दू सिंपल, ये और ये चीज बोलना बंद कर दो। जैसे एक बात बता रहा हूँ, भाई पे कुछ हो नहीं रहा है, भाई पे बहुत कुछ होगा, रुक जा यार, कुछ बोलने तो दे, बीच में टोक जाता बार बार। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, जैसे आप ये बोलते हो कि लड़की है वो फेमस तो हो ही जाएगी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लड़की है भाई इसलिए फेमस हो गई या ऐसा है वैसा, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। कंटेंट कंटेंट की बात होती है, जिसके कंटेंट में दम है भाई वो 100% भाई उठेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी अपन मेहनत कर रहे हैं, अपन भी एक दिन हो ही जाएगा, तो चलो नहीं होगा लेकिन अपना क्या, अपना चल तो रहा ही है, एक दिन जरूर चलते हैं। तू चमक रहा भी मीठे, ये शक्ल बताओ इसकी, मीठा नहीं लगता ये? आज भाइयों सुनो, कैसे पापा है तुम्हारे, हमें बना के बात कर दिया, चलो जाइए गली ले लो घर, चलो अब तो वही तो बहला है और कुछ है तो नहीं, वही तो कह रहा है अब तो तभी आए वो जब जब भूपा जाएंगे। अरे वापस से भूपा ने आग लगा फेंक दी। अरे यार इतने चिल्ला रहा पड़ोसी तक के पता पड़ गई यार। हां पड़ोसी बोल रहे धीमे बोलो जा रहे इतनी इतनी चिल्ला नहीं किया, बात चली नहीं जाए वीडियो यार। अरे कोई दिक्कत नहीं है, भूपा देख ले, भूपा का एक बात लड़ाई हो चुकी, दोबारा हो जाएगी हो यार लड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, बोल चल बंद होगा तो। अरे बिल्कुल हो जाए बोल चल बंद है। देव इतनी बारिश में भी जिम जा रहे हैं, बताओ जिम जाए कि नहीं जाए? देव की जितनी बारिश हो रही है, जिम नहीं छूटनी चाहिए, और भाई भी उधर से आया और इधर बैठा, भाई की छूट गई हो गई। देख लो पानी आ रहा, पानी तो मेरी छूटना छूट गया है की राज्य। कल वो बता फूफा वाला इंसिडेंट बता पूरा, आए थे हमारे घर पे, तेज बोलो, फूफा भी आए थे और बुआ भी आई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ ना, फूफा पापा को मतलब ट्रेलर देने लगे फूफा, हाँ फूफा ने कहा कि बच्चों का ये करना चाहिए, हमने बच्चों को ऐसे किया तो मतलब वो सफल हो गए हैं, बच्चों को इस उम्र में फोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापा ने हम पापा को समझा चुके हैं, डंडा नहीं चलाया हमने, सन सोलह से डंडा नहीं चलाया है, वही बाकी है बस, तो वो डंडा चला तो फोन छीन लो, फोन बच्चे तड़पेंगे तब मजा आएगा। देख ले क्या फूफा है, बुआ की जगह फूफा आग लगा रहे हैं।